साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज का साथियों अपना टॉपिक रहेगा, विदेश में अगर आप कमाने के लिए जाते हैं, कंपनी आपको समय से पहले कई बार घर भेज देती है। जी हां साथियों, अग्रीमेंट आपका कंपनी यहां से इंटरव्यू बाकायदा है, मैन पावर की वहां पे इंटरव्यू होता है, आपका अग्रीमेंट होता है, जाने से पहले अग्रीमेंट होता है, 2 साल का आपका वीजा पासपोर्ट में लगा हुआ होता है, अग्रीमेंट आपका 2 साल का होता है, फिर वहां जाते हैं आपका अग्रीमेंट होता है वगैरह वगैरह होके, फिर आपने पता लगा कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने कंपनी ने काम करवाया, पता लगा कंपनी आपको डिपोर्ट कर रही है, कंपनी आपको फिनिश कर रही है, घर पे भेज रही है। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, कंपनी क्या बहाने बनाती हैं कि आपको घर भी निकाल दे, आप एम्बेसी में अगर शिकायत करते हो कंपनी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो वो फिर बहाने से आपको निकालने की कोशिश करते हैं। और इन बहानों में गरीब आदमी इतना इजीली झांसे में आ जाता है, क्योंकि यार एक बात बताऊं मैं, जो लेबर होती है वो बेचारी अनपढ़ होती है, लगभग पढ़े लिखे बंदे नहीं होते, उनको पता नहीं होता, तो आराम से उनको निकाला जा सकता है और वो खुश होकर आ भी जाते हैं। अब कंपनी आपको घर भेजती है तो बहाने क्या लगाती है, मैं 6-7 पॉइंटों पे बात करूंगा। सबसे पहले उनके आपके सीनियर अधिकारी कंपनी की तरफ से आपको बोला जाता है, नोटिस भेजा जाता है, कंपनी में काम खत्म हो गया। कई बार सुनते हैं ना, यहाँ से गए, साइड फिनिश हो गई, आगे काम नहीं मिला, कंपनी ने वापस भेज दिया। ठीक है, कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिला, काम पूरा हो गया, प्रोजेक्ट नहीं मिला, इस वजह से वर्कर ज्यादा हैं, कंपनी रख नहीं सकती। कंपनी में वर्कर ज्यादा हैं, काम कम है। जी हाँ साथियों, वर्कर जैसे 10,000 हैं, कंपनी के पास 3,000 वर्करों के ही काम है, तो बाकी के वो लोगों की छंटनी करेंगे, फिर उनको लगेगा कि कम तनख्वाह में ज्यादा काम करने वाले बंदे रहेंगे, उनको रख लेते हैं, बाकी सबको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कंपनी फिर सैलरी नहीं देना चाहती, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कंपनी मान लीजिए 6 महीने आपको 7 महीने काम करवा लिया और उनको लगता है प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो वो कंपनी तनख्वाह देने में आनाकानी करती है, वो जैसे तैसे करके आपको घर भेजने की कोशिश करती है कि बंदे को टिकट पकड़ाई, पासपोर्ट पकड़ाया और घर जा, और बंदे आ भी जाते हैं, उनको पता लगता है यार कंपनी में काम नहीं है, पैसा नहीं है, यहाँ बैठे रहेंगे क्या करेंगे, 2-3 महीने कंपनी बिठा लेती है बेवकूफ बनाने के चक्कर में, तो वो फिर बिना पैसे बिना तनख्वाह के ही आ जाते हैं घर पे, वो मोटा पैसा कंपनी में रह जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बहाना क्या बनाया जाता है, आपको जब भी काम होगा कंपनी में 2-4 महीने बाद दोबारा बुला लिया जाएगा, उसी वीजा में या दूसरा वीजा कंपनी की तरफ से फ्री होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बहाना होता है साथियों। मैं बता दूं, हमारे इधर बहुत सारे लोग कंपनी ने दोबारा बुलाएगी हमें भेज दिया घर पे, ऐसे ऐसे ऐसी स्थिति हो जाती है। कंपनी को कहाँ बुलाना भैया, कंपनी को जरूरत ही नहीं होती, कंपनी तो आपके कोई किसी के 10,000 रियाल खा गई, किसी के 20,000 दरम खा गई, कितना मोटा हजारों लाखों में दरम चली जाती है कंपनी को, मोटा मुनाफा, वो आपसे 5 साल में नहीं कमाएगी उतना, तो आपकी तनख्वाह में उसने 1 साल में कमा लिया, तो वो फिर नहीं करनी। फिर कंडीशन, कई बार बंदे कहते हैं हमें नहीं जाना वगैरह वगैरह कई होता है, तो वो बोलते हैं फिर ये काम करना है तो करो वरना घर जाओ। सपोज करो आप मेसन कारीगर हो, आपको साफ सफाई के काम में दे देंगे, तो आप क्या बोलोगे, ये काम तो हम नहीं करेंगे, तो भैया इंडिया ये टिकट पासपोर्ट लो घर जाओ, तो फिर आप लोग भी चल के आ जाते हो। किसी भी बहाने से आपको निकालना कंपनी का एक तरह से हथियार होता है। ठीक है, किसी भी कोई भी बहाना हो, उनको बहाना मिलना चाहिए किसी भी बहाने से, और कंपनी को आराम से उनको निकाल भी देती है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि इतना तो आपको नॉलेज नहीं होता, आपको तो बस जैसे जो आपको बोलते हैं वैसे आप करते हो और आज आ भी जाते हो। और मैं क्या बोल रहा हूँ, 80% लोग तनख्वाह छोड़ के आते हैं कंपनी में, मेरी जहां तक सोच है। तो इन चीजों से अगर कंपनी आपको घर भेजती है तो कम से कम यार तनख्वाह तो पूरी लेके आओ, चाहे आपको 1 महीने बैठना पड़े। कंपनी तनख्वाह नहीं देने के बेटे क्या करती है, 2-3 महीने बैठा ले, आपको बोलती है बैठ जाओ, जब तनख्वाह होगी आपको घर भेज देंगे। अब पैसा फिर खाने का आपका लगता है, वहां बैठे बैठे खर्चा तो आपको लगता है कि इंडिया, तो भैया कैसे भी एम्बेसी में शिकायत करके, कंपनी में प्रेशर देके, स्ट्राइक करके, कम से कम इंडिया आते टाइम अपना पैसा तो पूरा करके आओ या एग्जिट लेके आओ, ताकि दोबारा जाने के लायक हो जाओ। तो इन चीजों पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि कंपनी आपके साथ क्या नुकसान कर सकती है, क्या आपको बेवकूफ बनाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, इसी चैनल पे इसी टाइप के वीडियो और बनाऊंगा, नोटिफिकेशन साथ में दबा लें ताकि नोटिफिकेशन नई जानकारी आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।